वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं ऑटो कैड का पार्ट, कमांड्स का जो पार्ट है 7, वो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास है लाइन टाइप, यानी कि लाइन कितने टाइप्स की और उसे किस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद लाइन वेट, कि अगर आप लाइन का जो वेट है वो किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं। साथ में जो है ग्रिड लाइन को शो करना और ऑफ करना। उसके साथ हम पोलर ट्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। पोलर ट्रैकिंग यानी कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर ड्राइंग तैयार करनी है या कोई लाइन ड्रा करनी है तो वो किस तरह से होगी। फिर होता है व्हील स्ट्रीम। व्हील स्ट्रीम होता है यानी कि अगर आप ड्राइंग को रोटेट करना चाहते हैं, मूवेबल करना चाहते हैं या कोई और इसमें ऑब्जेक्ट करना है, पैन करना है, तो वो सारा जो है व्हील स्ट्रीम के अंदर होता है। और इसी के साथ जो है हमारे पास होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट होता है कि अगर आप ड्राइंग को जो है रोटेट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि आपने यहाँ पे जो है लाइन की कितनी टाइप्स होने, कैसे यूज़ करना है। तो आप सबसे पहले जो है यहाँ पे आएंगे लेयर में, सॉरी यहाँ पे आएंगे बाय लेयर, और लाइन लेयर्स में आने के बाद आप अदर पे आते हैं। अदर में आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे लोड में, और लोड में आने के बाद देखें कि यहाँ पे जो है लाइन टाइप सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो जो भी लाइन आपने ड्रॉ करनी हो, जिस तरह की लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं, आप उसी लाइन को जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो इसके सामने ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे इसी बॉक्स में ये आ जाएगा। आप इसे सेलेक्ट करते हैं, आपने फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप दोबारा जब यहाँ पे आएंगे तो इसी लिस्ट के अंदर जो है ये लाइन शो हो जाएगी। आप इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लाइन लेंगे, क्लिक किया और यहाँ पर जब लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केप कर दें, तो ये जो लाइन है आपके पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे 20 फीट की एक लाइन लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ 20 फीट लिखा, एंटर कर दिया और स्केप करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है आपके पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। मज़ीद अगर आप यहाँ पे आते हैं, अदर पे आते हैं, अदर में आने के बाद लोड पे आएंगे, और लोड में आने के बाद ये सारी टाइप्स हमारे पास यहाँ पड़ी हुई हैं। जो भी लाइन आप लेना चाहते हैं सेलेक्ट करें, ओके कर दें, दोबारा से सेलेक्ट करें और ओके कर दें। फिर जब आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है कुछ इस तरह से आ जाएगी आपके पास। मसीद अगर यहाँ पे आ जाए दोबारा, जैसे कि ये था बैटिंग, आप यहाँ पे लाइन लें और दोबारा से ड्रैग करेंगे तो ये कुछ लाइन इस तरह से क्रिएट हो जाती हैं। यानी कि ये सारी हमारे पास लाइंस होती हैं। और दोबारा अगर इसे सेट करना है तो दोबारा आप यहाँ पे आके बाय लेयर के अंदर जो है उसी लाइन को दोबारा से सेट भी कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप डिफरेंट लाइन्स को ड्रॉ करना चाहें, डिफरेंट टाइप्स को ड्रॉ करना चाहें, तो आपने ये मेथड यूज़ करना है। इसी के साथ जो है फिर हमारे पास जो है यहाँ बाय लेयर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे लाइन की हाइट होती है कि अगर आपने यहाँ पे लाइन ली है, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हमने लाइन की जो हाइट है वो 0.80 mm में यूज़ की है। तो यहाँ पे बेसिकली ना हाइट बढ़ी नहीं है। अगर आप हाइट को बढ़ाना चाहें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शो एंड हाइट पे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये यह शो हो जाएगा। और इसके बाद अब जब भी आप यहाँ पे लाइन का जो स्टाइल या जो सॉरी वेट यहाँ पे लेते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वही जो है ऑटोमेटिक उसे बढ़ा के शो कर देगा। तो इस तरह से आप अगर वेट लाइन वेट शो करना चाहते हैं तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आप इसी को ऑफ करना चाहते हैं, जैसे कि हम दोबारा यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास लाइन वेट है, शो एंड हाइट लाइन वेट है, आप क्लिक कर दें तो ये बिल्कुल वैसे ही शो भी हो जाएगा इसी के साथ। तो ये थी हमारे पास लाइन कमांड। अब नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ते हैं इसमें है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन भी होगा कि जैसा कि ये ग्राफ नीचे शो हो रहा है, ये ग्रिड लाइन है। अब इस ग्राफ को जो है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी ये ऑफ हो जाएगा, जिस हाइड हो जाएगा। आप क्लिक करके इस ग्रिड लाइन को एक्टिव भी कर सकते हैं, या अगर शॉर्ट की लगाते हैं तो F7 है, इसे हाइड कर सकते हैं, फिर दोबारा उसे एक्टिव भी कर सकते हैं आप। उसी के साथ हम पढ़ते हैं पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग ये होगा कि अगर आप एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपने उस एंगल्स को जो है ऐड किस तरह से करवाना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लाइन लेते हैं और लाइन लेने के बाद हम कहते हैं कि ये जो लाइन है हमारी 45 डिग्री पे जाए, या जो है आप अगर डायरेक्ट डिग्री देते हैं, जैसे कि टैब का इस्तेमाल करते हैं, तो कर्सर जो है आपका डिग्री वाला कर्सर एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही टैब का बटन दबाया, डिग्री एक्टिव हो जाएगी। आप यहाँ पे डिग्री टाइप कर दें और एंटर कर दें, तो ये जो लाइन है उसी डिग्री पे आ जाएगी। और दूसरा मेथड इसका ये होता है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और इनके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, सेटिंग्स पे आ जाएँ, यानी कि ये जो शॉर्टकट के तौर पर कुछ कमांड्स होती हैं, आप सेटिंग पे आकर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप आएंगे पोलर ट्रैकिंग, और जैसे कि यहाँ पर जो है हम ऐड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं 35, एंटर कर देते हैं। मज़ीद एक न्यू चाहिए,
फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं जैसे 65 एंटर कर दिया, फिर न्यू चाहिए जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं 1025 एंटर, फिर न्यू पे क्लिक करते हैं और इसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमें चाहिए 85 एंटर और इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जब भी आप यहाँ पे लाइन लेंगे और लाइन लेने के बाद आप देखें कि यहाँ पे जो है ना ये शो नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, पोलर ट्रैकिंग को यहाँ से एक्टिव करना है। जैसे कि ये पोलर ट्रैकिंग है, आप इसे एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे लाइन लेंगे तो देखें कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि ये जो ग्रीन शो कर रहा है बेसिकली ये पोलर ट्रैकिंग का है। कि अगर हम यहाँ पे आते हैं जैसे कि हमारे पास ये है, या अगर हम यहाँ पे आते हैं मज़ीद जो है, अगर आप एक सर्कल लेते हैं और सर्कल के अंदर मज़ीद इसे अगर क्रिएट करेंगे तो ये और भी क्लियर शो कर देगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जैसे ये जो था हमारे पास ये आ चुका है 35 का आ चुका है, और इसी के बाद जो है मज़ीद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इससे ऊपर कोई लेना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे जो है हमारे पास है 65 का, मज़ीद अगर आप यहाँ पे आते हैं और इसके साथ जैसे कि यहाँ पे जो होगा आपके पास 85 का आ चुका है, मज़ीद अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये जितने भी एंगल्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से शो होते जाएंगे। तो पोलर ट्रैकिंग जो है वो हम कुछ इस तरह से यूज़ करते होते हैं। और दूसरा जो है नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रीम व्हील। अब स्ट्रीम व्हील में ये होगा कि अगर हम स्ट्रीम व्हील को एक्टिव करते हैं, जैसे कि हम व्यू पे आते हैं और स्ट्रीम व्हील्स पे आते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आगे जूम पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके अगर हम क्लिक कर देते हैं या जूम ऐसे यहाँ से कम या ज़्यादा, यानी कि अगर आप कर्सर माउस का बटन प्रेस करके आउट की तरफ करते हैं तो ये जो है जूम कम करेगा, और अगर आप इसी को जो है ना एनर कर देंगे तो ये जूम उसको बढ़ा देगा। इसी तरह जो है रिवेंड है या पेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप लेके जाएंगे ये हल्का सा ग्रीन हो रहा है और आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो है ना आप उसको पूरा यहाँ पे रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑर्बिट की कमांड थी तो उसने यहाँ पर रोटेट कर दिया, और उसके बाद अगर इसे बंद करना है तो यहाँ पर क्रॉस कर दें ये बंद हो जाएगा, और टॉप पर लेके आना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करें ये टॉप से वैसे भी आ जाएगा। और लास्ट कमांड इस वीडियो की हम पढ़ते हैं कि अगर आपने ऑर्बिट का इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर आप 3D के ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना चाहते हैं तब जो है हम ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हैं। आप व्यू पे आते हैं, व्यू में आने के बाद आपने आना है ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट की कुछ टाइप्स हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे आ गए आप क्लिक करेंगे तभी ऑर्बिट इसको ऐसे मूव करेगा, या जो है अगर हम व्यू पे आते हैं ऑर्बिट पे आते हैं और फ्री ऑर्बिट लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप मज़ीद ऑर्बिट ऑटो रखना चाहते हैं आप यहाँ पर आते हैं कॉन्टीन्यूस ऑर्बिट पर क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से यानी कि ये यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे पास ऑर्बिट की कुछ इस तरह से जो है कमांड्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।